पात्र नहीं होने के बावजूद राशन कार्ड रखने वालों की दिल की धड़कनें इन दिनों बेहद तेज हो गई हैं। वो क्यों, जरा ये सुन लीजिए। राशन कार्ड धारक के चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, 5 एकड़ जमीन, सरकारी कर्मचारी, शस्त्र लाइसेंस, 5 के लाइसेंस, 5 KV जनरेटर, AC, 100 वर्ग मीटर मकान या फ्लैट हो, वो अपना राशन कार्ड तहसील उतरौला में आपूर्ति कार्यालय में जाकर सरेंडर कर दे। अन्यथा जांच के बाद अगर आप पात्र पाए जाते हैं तो गेहूँ 24 रुपया किलो, चावल 32 रुपया किलो तथा चना, नमक, तेल बाजार भाव से रिकवरी किया जाएगा। इस वीडियो को देखकर तो आप समझ गए होंगे कि राशन कार्ड धारकों के लिए कुछ मानक तय कर दिए गए हैं। ये फैसला यूपी सरकार द्वारा लिया गया है, यानी जो इस कैटेगरी में नहीं आता उन्हें अपना राशन कार्ड सरेंडर करना होगा। तो अब योगी सरकार के मुताबिक जिन लोगों के पास 4-व्हीलर, ट्रैक्टर, जमीन, जनरेटर, जिनके पास ये सब है, उनको अब योगी सरकार सस्ता राशन या फिर फ्री राशन नहीं देगी। अब ऐसे लोगों को अपना राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए कहा था, जिसकी आखिरी तारीख 15 मई रखी गई थी, जिसमें भी इस तारीख तक राशन कार्ड ना जमा कराए होगा उन पर सरकार की तरफ से सख्त एक्शन लिया जाएगा। यानी अगर राजनीति के पंडितों की माने तो जिन योजनाओं के जरिए योगी सरकार दोबारा सत्ता में वापस लौटी है, अब उन्हीं पर सरकार की कैंची चल रही है। अपने दूसरे कार्यकाल में योगी सरकार बड़े बड़े फैसले ले रही है और कार्रवाई का डर ऐसा कि लोगों की रातों की नींद उड़ी हुई है। अब सवाल ये है, क्या वाकई योगी सरकार चुनाव से पहले राशन कार्ड धारकों को सिर्फ खुश कर रही थी? और साथ ही बात इस पर भी करेंगे कि क्या किसी की अमीरी को मापने का सरकार का ये तरीका सही है? और जिसको वाकई राशन कार्ड की जरूरत है या जो इसके पात्र है, उनके लिए सरकारी महकमा कितनी तेजी के साथ काम कर रही है? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत एट नाइन में, आपके साथ मैं हूं काजोल। तो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के लिए बड़ी खबर है, बहुत बड़ी, क्योंकि आज सिर्फ यूपी में हो रहा है, आगे बीजेपी शासित किसी और प्रदेश में भी हो सकता है। तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके लिए खबर बहुत ज्यादा जरूरी है, खास करके यूपी के बाशिंदों के लिए। तो सच में सावधान हो जाइए। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो 3 महीनों में योगी सरकार ने 1.4 मिलियन टन गेहूं, 0.95 मिलियन टन चावल, 0.10 मिलियन टन चना, 101.9 मिलियन लीटर सोयाबीन ऑयल, 1 लाख टन नमक फ्री राशन के तौर पर बांटा। इसे सरकार द्वारा कोविड रिलीफ पार्ट बताया गया। कुछ और रिपोर्ट्स की माने तो 14.60 करोड़ लाभार्थियों को ये राशन बांटा गया है, जिसकी लागत 300 करोड़ रुपए है। राजनीति के पंडितों की माने तो यूपी चुनाव में भाजपा की जीत में ये बड़ा फैक्टर साबित हुआ, राशन और शासन। चलिए, तो ये बात हो गई यूपी की, राशन देने का फायदा यूपी सरकार को हुआ है। आगे आपको पूरा मामला क्या है वो विस्तार से समझा देते हैं। यूपी में इन दिनों आपको राशन की दुकानों पर या ये कहें कि कोटेदारों के पास लंबी लाइनें देखने के लिए मिल जाएंगी। जी नहीं, ये लोग राशन लेने की लाइनों में नहीं है, बल्कि राशन कार्ड वापस करने की लाइनों में लगे हैं। चौंका देने वाला है, लेकिन सच यही है। इनमें बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो कारोबार करते हैं, कार से चलते हैं और आलीशान घर भी हैं। राशन कार्ड का सत्यापन शुरू होने से पहले ही कार्ड वापस के लिए जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय के अलावा सभी तहसील कार्यालयों पर लाइन लगी हुई है। कार्यालय में आने वाले राशन कार्ड धारकों का कहना होता है कि सर, मेरे पास कार है, घर में AC लगा हुआ है, मैं राशन कार्ड वापस करने आया हूँ। राशन कार्ड वापस करने वालों में आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की भी अच्छी खासी संख्या है। प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड की संख्या बढ़ाए बिना पात्रों को राशन उपलब्ध कराने के लिए योजना बनाई है। राशन कार्ड धारकों का सत्यापन कराया जाना है, इसमें अपात्र पाए जाने वाले व्यक्तियों का राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा और उस व्यक्ति से जब से राशन लिया है तब से 24 रुपए किलो गेहूं, 32 रुपए किलो चावल की दर से वसूली करने का भी आदेश है।
हालांकि इसमें स्वेच्छा से राशन कार्ड लौटाने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने की भी व्यवस्था की गई है। इनका नहीं बनेगा राशन कार्ड। अब ये भी आपको समझा देते हैं कि आखिर किन का राशन कार्ड नहीं बनेगा। आप मेरे बाईं तरफ देख सकते हैं, आयकर दाता वाले परिवार, कार, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, घर में लगी एसी, जनरेटर, 5 एकड़ से अधिक खेती की जमीन, ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख और शहरी क्षेत्र में 3 लाख से अधिक सालाना आय वाले, श्रेष्ठ लाइसेंस धारक, 100 वर्ग मीटर में आवास या आवासीय जमीन, 80 वर्ग मीटर से अधिक में दुकान। तो नए राशन कार्ड बनाने वालों के लिए क्या नियम है वो आप मेरे दाएं तरफ देख सकते हैं। जन सुविधा केंद्र पर जाकर आवेदन करना होगा। शहरी क्षेत्र में 3 लाख से कम और ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख से कम सालाना पारिवारिक आय का आय प्रमाण पत्र दिखाना होगा। घर की मुखिया महिला का फोटो, बैंक खाता संख्या, राशन कार्ड में शामिल सभी सदस्यों का आधार कार्ड। तो ये नियम है कि किन के लिए राशन कार्ड होगा और किन के लिए नहीं होगा। तो ये बड़ा फैसला मुनादी कराकर गांव गांव शहर तक लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अब तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा कर चुके हैं लेकिन नहीं किया तो करें, क्योंकि वीडियो में पहले ही हम बता चुके हैं कि आप पर क्या कार्रवाई हो सकती है। एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ राशन कार्ड को लेकर जो सरकार ने नई गाइडलाइन जारी किया उसे लेकर जनता में क्या रुझान है वही जानने के लिए हम निकले हैं। सरदाना में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, सरदाना के धर्मपुरा मोहल्ले में, और यहाँ से जानेंगे लोगों को से कि जो सरकार ने नई गाइडलाइन जारी किया उस लोगों से उसका जनता पर क्या असर पड़ रहा है और जनता उससे कितनी खुश है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साकिर अंसारी। साकिर जी, जो सरकार ने नई गाइडलाइन जारी किया है राशन कार्ड को लेकर कि शहरी क्षेत्रों में जिसमें कि जिसके पास में एसी है, 4 व्हीलर है या 100 गज का मकान है या जिनकी आय 3 लाख रुपये है वार्षिक, तो उन लोगों को अपात्र श्रेणी में सरकार ने रख दिया है। क्या कहेंगे इस पर कि सरकार के इस फैसले से कितना खुश है? सरकार ने जो नई गाइडलाइन लागू की है इससे जनता बहुत परेशान हो रही है और इसमें कई सारी चीज़ ऐसी आ रही है जो पात्र अपात्र जिसको ये बता रहे हैं मानने की बात है। किसी पे 4 पहिया वाहन गाड़ी है और उससे वो अपना कारोबार कर रहा है, अपने बच्चों को पाल रहा है, उस पर सिर्फ गाड़ी है और गाड़ी भी उनने लोन पे ले ली जैसे कंपनी देती है लोन पे, तो वो एक कारोबार के लिए हो गई, तो उसके तो बच्चे भूखे मरेंगे जब और कोई कारोबार नहीं है। दूसरी चीज़ यह है कि मकान, एक तो सरकार ऊपर से मकान बनवा रही है जनता के, दूसरा कह रही है कि 100 गज से अधिक जिस जो मकान लेंटर का होगा उसको राशन कार्ड से काट दिया जाएगा, वो राशन कार्ड धारक नहीं हो सकता। लेकिन 100 गज का मकान आम जनता पे सभी पे है, ये होना चाहिए था कि जिसकी सरकारी नौकरी है उसका राशन कार्ड नहीं होना चाहिए, या किसी पे 20-25 बीघे ज़मीन है उस पर राशन कार्ड नहीं होना चाहिए था, या जिसकी आय कम से कम 4 लाख या 5 लाख रुपए है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो 50,000 रुपये से अपना रोजगार कर रहे हैं और 50,000 रुपये को बार बार बैंक में डाल के जीएसटी के माध्यम से और उसको निकाल रहे हैं, तो उसका टर्नओवर तो 3 लाख से बहुत ऊपर हो जाएगा। अब ये मान रहे हैं कि 3 लाख से ज़्यादा आय होने वाले का भी राशन कार्ड नहीं रहने का। दूसरी चीज़, ऐसा ही पहले हमारे साथ धोखा हुआ गैस को लेकर। पहले तो गैस इन्होंने गवर्नमेंट ने दे दी हमें सिलेंडर फ्री में दे दिए, फिर उसके बाद उसकी सब्सिडी ख़त्म कर दी। जब इन्हें सिलेंडर देने थे तो सब्सिडी ख़त्म ना करते, हम एक बार रो लेते 5,000 का सिलेंडर लेके, अब हम रोज़ रो रहे हैं नया सिलेंडर लेके, क्योंकि वो 1,000 रुपये का हो गया जब सिलेंडर 500 रुपये का था, 400 रुपये की या 300 रुपये की सब्सिडी हो जाती थी तो गरीब आदमी को उसका बड़ा लाभ मिल रहा था। अब हमें हर रोज़ रोना पड़ रहा है, इसलिए जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है वो बिल्कुल गलत है, इसमें इसका शुद्धिकरण होना चाहिए। इसमें कहीं आपको ये नहीं लगता कि जो लोग अपात्र हैं और वो पात्र लोगों का भी राशन ले रहे थे कहीं ना कहीं इसमें भी सुधार हो? हैं, ऐसे भी हैं। इसमें कितने होंगे ऐसे, 5% लोग होंगे या 3% लोग होंगे, ज़्यादा नहीं हो सकते। ऐसे तो वे लोग हैं जिनको समाज का पता नहीं, जो समझदार लोग थे उन्होंने पहले से राशन कार्ड भी नहीं बनवा रखा। ऐसे भी लोग हैं जो मालदार लोगों के राशन कार्ड बने हुए हैं, उनमें कुछ मालदार ऐसे भी हैं जो अपने पास से गरीब लोगों की मदद करें। अभी कोरोना काल आया था, क्या सरकार ने पूरा राशन गवर्नमेंट ने थोड़े दे दिया था आम जनता को? कोरोना काल में जो मोहल्ले के मालदार लोग थे, जो गांव के मालदार लोग थे, उन्होंने एक दूसरे की मदद करके ही तो काम चलाया। मेरा नाम तो भगत जी है जी। अच्छा भगत जी, आप एक चीज़ बताइए, जो सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है राशन कार्ड को लेकर, जो लोग
राशन कार्ड में अपात्र है और पात्र श्रेणी की लिस्ट सरकार ने जारी कर दिया, जिसके पास में फोर व्हीलर है या एसी है या 100 गज का मकान है, उन लोगों को सरकार ने अपात्र श्रेणी में रख दिया। क्या लगता है कि इससे कहीं ना कहीं जो अपात्र लोग थे उनको सहूलियत मिलेगी, उनका राशन उन तक पहुँचेगा? वो पहुँचना भी चाहिए जी, राशन तो देना चाहिए गरीबों को। जो गरीब जो ये सरकार ने नए नियम बनाए इससे कितना संतुष्ट है? देखो जी, सबको राशन तो सबको ही मिल रहा है करीब करीब, लेकिन अब नहीं मिलेगा। अगर अब ऐसे लोग जो अपात्र श्रेणी में सरकार की जो अपात्र नई लिस्ट जारी की है उसके आधार पर अगर कोई राशन देगा तो उनसे वसूली भी की जाएगी, 24 रुपये प्रति किलो की दर से और 32 रुपये किलो चावल की दर से वसूला भी जाएगा। ठीक है जी, कुछ और हम लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि क्या नाम है आपका? तराबुद्दीन अंसारी। तराबुद्दीन जी, ये बताइए कि जो सरकार ने राशन कार्ड को लेकर नई लिस्ट नियम जारी किए हैं कि जो पात्र और अपात्र श्रेणी को अब अलग अलग कर दिया है, जिसके पास में फोर व्हीलर है या एसी है 5 टन के, जनरेटर है या 100 गज का मकान है या 5 एकड़ की जमीन है, अगर वो लोग राशन लेते हैं तो उनसे 24 रुपये प्रति किलो की दर से तो गेहूं वसूला जाएगा और 32 रुपये प्रति दर के हिसाब से चावल वसूलेगा, आप कितना संतुष्ट हैं सरकार के इस नियम से? हम सरकार से इससे बिल्कुल ख़िलाफ़ है। कुछ हमारे लोग गरीब भाई है, अब इनकी शादी हुई, इन्हें मोटरसाइकिल मिल गई, क्या इन्हें एसी मिल गई और इनके खाने को है नहीं, तो लोग उससे जो अपना गुजर बसर कर रहे हैं, तो सरकार का जो कहना जो है बहुत गलत है। सरकार ने जो है इतनी महंगाई कर दी, हम बुनकर समाज के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर अनगिन बुनकर है, सरदने के अंदर 10-15 हज़ार पावर लूम है, जो आज आधे ज़्यादा बंद है, जो 5 हज़ार का बोरा था 8 हज़ार का बोरा हो गया। ये जो गाइडलाइन जारी की है ये बहुत गलत है, क्योंकि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ राशन कार्ड की प्रक्रिया और राशन देने की प्रक्रिया पहले से ही है। आज़ादी के बाद से जितनी भी सरकारें आई, या यूपी में हो या हमारे भारत सरकार में हो, और जब से भारत सरकार और यूपी सरकार सत्ता परिवर्तन हुआ है उस वक्त से जो है अब दिक्कतें आ रही हैं। राशन तो पहले से मिल रहा, अगरचे पहले चीनी और तेल मिलता था, अब जो है गेहूं और चावल और ये अन्य चीज़ें मिल रही हैं, तो ये तमाम गरीब गुरबा का जो है जीवन यापन करने के लिए हैं। और एक बात हम कहना चाहेंगे सरकार के को, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि आवाम जो है, जो जनता है, वो सरकारों से ना तो चीनी मांग रही, ना तेल मांग रही, ना जो है गेहूं चावल मांग रही है, ये अपना जीवन यापन जैसे भी कर रही थी कर रही थी। लेकिन सरकार ने अभी बीते चुनाव में, पिछली सरकार जो थी उसने डबल इंजन की सरकार के माध्यम से अपनी 2 योजनाओं को, कि हमने डबल राशन दिया, इसी योजना पे इसी का लाभ लेते हुए ये दोबारा पूर्ण रूप से सत्ता में आए और उसका ये दुरुपयोग कर रहे हैं सत्ता का अपनी, क्योंकि जब ये पूर्ण रूप से दोबारा सत्ता में आए तो इन्हें और राशन बढ़ाना चाहिए था। अभी अप्रैल माह में रमज़ान में माननीय प्रधानमंत्री और योगी ने, इन्होंने कहा कि पूर्ण रूप से 80 करोड़ आदमियों को दोबारा से, जिस तरह से पहले राशन मिल रहा था 2 बार फ्री में, तेल भी, चना भी, नमक भी, ये तमाम मिलेगा, लेकिन अब ऑटोमेटिकली 1 बार हो गया। और जितना गरीब आदमी है, वो मजदूर आदमी जो पहले अपनी ज़िंदगी जी रहा था, मजदूरी करके जी रहा था और सरकार के ऊपर निर्भर नहीं था, लेकिन सरकार ने खुद इस बात को ऐलान करा कि हम राशन देंगे, अब ये उल्टा इन्होंने जो है ख़त्म करने की कोशिश कर दी। जो लोग मालदार लोग हैं, पहले से ये सिस्टम है हमारे देश में, वो पहले से राशन कार्ड नहीं बनवाते ना राशन लेते, लेकिन जो इन्होंने प्रक्रिया लागू करी है, जो इसके मुस्तहिक हैं, जो पात्र लोग हैं, उन पात्र लोगों को राशन रहने चाहिए, उन लोगों को तमाम सुविधाएँ मिलनी चाहिए। और जो हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है उस पर भारत सरकार और जो है उत्तर प्रदेश सरकार, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे वो इस पर विचार करें और तमाम इन गरीब गुरबाओं की जो इनको जो है जीने के लिए जो एक साधन दिया है उस पर जो है अंकुश न लगा करके इनकी सुविधा को और बढ़ाने का काम करें और महंगाई को रोकने का काम करें। वही इसी सिलसिले में हम लोग पहुंचे गोंडा, जहां के लोगों से हमने बात की। जहां राशन कार्ड सरेंडर करने आए लोगों ने सरकार के आदेश पर खुशी जताते हुए कहा कि अब जो गरीब लोग हैं, जो वाकई इसके हकदार हैं, उन्हें मेरे भी हिस्से का राशन मिल जाया करेगा। हम सरकार के इस फैसले से खुश हैं और साथ ही साथ जो गरीब जनता थी वो भी बेहद खुश नजर आई।
प्रधानमंत्री के आदेश के बाद लोगों में खलबली मच चुकी है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री ने जो आदेश किया है कि जिनके घरों में एसी लगी हुई है या बड़े बड़े घरों में रहते हैं और जिनके पास गाड़ी है, सब कुछ संपन्न लोग हैं, उनके पास जो राशन कार्ड जो ले रहे हैं राशन कार्ड उनके निरस्त किए जाएंगे और जो अब तक जो राशन उन्होंने लिया गया है उनसे उनकी वसूली की जाएगी। तो ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा। सर, क्या नाम है आपका? नवाब अली। ये बताइए, प्रधानमंत्री ने जो आदेश किया है जिसको लेकर के जो राशन कार्ड लोगों के कैंसिल किए जाएंगे और उनसे जो अपात्र लोग हैं उनके राशन कार्ड कैंसिल करके उनसे राशन की वसूली की जाएगी, क्या कहना है आपका? सरकार कैसा काम कर रही है? मेरा कहना यह है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये निर्णय लिया है ये बहुत ही सराहनीय निर्णय है और मैं इसकी पुरजोर समर्थक करता हूँ, क्योंकि जिन लोगों के यहाँ पर एसी हैं और जो लोग बड़ी बड़ी कारों में चल रहे हैं उसके बावजूद भी वो गरीबों का हक मार रहे हैं, राशन ले रहे हैं, उनको नहीं लेना चाहिए। सरकार को उनके राशन कार्ड देने चाहिए, अगर वो न कटवाएं, खुद जमा न करें तो उनसे भरपाई करनी चाहिए। क्या कहेंगे, सरकार सही काम कर रही है? बिल्कुल सही काम कर रही है सरकार, जो गरीबों के हित में काम कर रही है, जो हक मार रहे हैं गरीबों का, उनको उनको राशन नहीं लेना चाहिए। और भी लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर नबी हसन। प्रधानमंत्री के आदेश के बाद जो अपात्र लोग हैं उनके राशन कार्ड कैंसिल किए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लोग अपात्र हैं, जैसे जिनके घर में एसी लगा हुआ है, कार है, मकान है, गवर्नमेंट जॉब करने वाले हैं और जो है खेती वाले हैं, उन लोगों को जो राशन ले रहे हैं वो अपात्र हैं, उन्हें उनके राशन कार्ड देने चाहिए। और जो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जो निर्णय है वो सराहनीय है। क्यों है? क्योंकि जो बेचारे अभी भी जो गरीब लोग हैं, अभी भी ऐसे 20% लोग हैं जिनको राशन नहीं मिल पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है, उसका राशन ये जो अपात्र जो ले रहे हैं ये ले रहे हैं, इनका राशन कटना चाहिए। और ये लोग अपना राशन कार्ड अगर सिलेंडर नहीं करते हैं, अपना कार्ड ख़त्म नहीं कराते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी अपील है कि इन लोगों से उस भरपाई पूरी तरीके से होनी चाहिए हर हालत में। सर, बेस्ट तरीका ये लगा मुझे कि इन्होंने जब्त करने के लिए जो कंडीशन बताई है कि चार पहियों का वाहन नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, पेंशन नहीं आ रही हो किसी के घर में, 100 गज से ज़्यादा का प्लॉट ना हो उसके पास इसके घर में एरिया ज़्यादा ना हो, उन्हीं लोगों के लिए गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी रखी है। मेरे लिए तो बेस्ट तरीका लगा मुझे, और ऐसे ही और तरीके आने चाहिए जिसमें जो लोग गरीबों का हक मार रहे हैं। और राशन डीलर के लिए भी ये बहुत बड़ा एक नुकसान का बायस बना है, क्योंकि राशन डीलर भी जो क्या कर रहे थे, जो लोग को ज़रूरत थी उनको तो दे ही रहे थे, लेकिन उनके अलावा जिनको ज़रूरत नहीं थी उनका अपने पास रख देते, ज़रूरतमंद का भी काट लिया करते थे। गरीबों को पहले बहुत परेशानी होती थी कि लाइनों में लगे रहते हैं, घंटों खड़े रहते हैं, और अमीर लोग आकर के ले जाते थे। हाँ, उस पर भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से, क्योंकि जब एक क्राउड कम हो जाएगा ना उसके, और इवन 1218 समथिंग राशन कोल के अंदर जमा भी हो चुके हैं और ऑल ओवर सही काम हो रहा है। हाँ, बिल्कुल बेस्ट है। जब मेरे साथ कुछ सीनियर बुजुर्ग लोग भी मौजूद हैं। भैया, हम ना पुलिस वाले, हम कर रहे हैं रिटायरमेंट, ये ना हम बताएंगे हम। तो और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहूँगा। सर, क्या नाम है आपका? असरत अली खान। ये बताइए, प्रधानमंत्री ने जो आदेश किया है कि जो लोग अपात्र लोग हैं उनके राशन कैंसिल किए जा रहे हैं, क्या सरकार सही काम कर रही है, गलत कर रही है? बिल्कुल सही काम कर रही है सरकार। क्या कहना है उस पर आपका? उस पर ये कहना है, जो गरीबों को राशन मिलना चाहिए तो मिल ही ना रहा, बड़े बड़े आदमी ले रहे हैं, और चावल तो नहीं मिल ही नहीं चाहिए, चावल तो बिक रही है पब्लिक, गेहूँ मिले सिर्फ, और भी चीज़ मिले रिफाइन। क्या सरकार जो अपात्र लोगों का राशन कैंसिल करके उसकी जो भरपाई कर रही है, क्या कर रही है, सही कर रही है? वो तो सब सही कर रही है, सब बहुत बेहतरीन। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जावेद। ये बताइए सर, प्रधानमंत्री का जो आदेश आया है कि जिन लोगों के घर में कार हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, एसी लगी हुई है, उनके राशन कैंसिल किए जा रहे हैं और उनसे राशन की भरपाई की जा रही है, क्या सरकार गलत कर रही है? सर, सही कर रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये बिल्कुल बेहतर कर रही है। तो पहले गरीबों को काफ़ी दिक्कत होती थी राशन लेने में, अमीर लोग आते थे, गरीब लोग घंटों लाइन में लगे पड़े हैं, अमीर आते लेके चले जाते थे, अब कैसा लगेगा? अब तो भाई बुरा लगेगा जब आएंगे तो, गरीब आदमी मारा जा रहा है। तो सरकार का फैसला सही या फिर गलत, हर किसी की अपनी अपनी राय हो सकती है, मगर मंशा, नीति और नियत के सिद्धांत पर सरकार के काम का असर तो हो ही रहा है। कोशिश काबिले तारीफ जरूर है, मगर शर्त बस इतनी होनी चाहिए कि कोई गरीब भूखा ना सोए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।